आज दिन है महाशिवरात्रि का, तो मेरी तरफ से सब भाइयों को और सब राइड ऑन फैमिली मेंबर्स को हर 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 महादेव, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू संयम भैया, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अपना प्यारा खूबसूरत सा चेहरा भी दिखाया और इतना टाइम दिए, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अरे वो तो पता ही है, तभी तो बोला कि भाई हो संयम भैया जैसा। दोस्तों कचौरी तो मैंने निपटा दी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी थी यार, मज़ा आ गया खा के। अब ये देखो, ये आया बिहार का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट, पूरी सब्जी साथ में जलेबी। जी मैम, नहीं चेक नहीं हुआ, बताइए। भाई दोस्तों एक बहुत तगड़ी भसड़ हो गई है, भसड़ ये हुई है कि नेपाल में मेरी एंट्री नहीं हो पा रही। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल, मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मेरे सामने आप जो देख रहे हो राइडर, ये हैं हमारे प्यारे संयम भैया, जो लास्ट मेरी NRM की सीरीज आई थी नेपाल की, तो आपने देखा होगा इनको, मैं आई बटन लिंक डाल दूंगा, आप दोबारा चेक कर सकते हो। ये मैं इस टाइम हूँ पटना में और ये है पटना के शेर हमारे संयम भैया। अभी ये मुझे लीड कर रहे हैं सिटी के बाहर तक, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैं पटना पहुंच गया था, बट हालत कुछ ऐसी हुई कि मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया था। तो अभी सुबह सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग निकल चले हैं आगे नेपाल के लिए, NRM के लिए। संयम भैया मेरे साथ नहीं जा रहे, उसका रीज़न क्या है? कि संयम भैया का थोड़ा सा हेल्थ इशू है, ये नहीं जा पा रहे, बट मैं निकल रहा हूँ नेपाल के लिए। और दीप भी नहीं जा रहा, क्योंकि दीप कहता जी मैंने पटना साहब रुकना है, गुरुद्वारे जी के दर्शन करने हैं। दर्शन तो खैर मुझे भी करने थे, बट थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया, मैं हो सकता है शायद वापसी में आऊँ, वापसी में पटना हो गया, हम लोग आके वापस निकलेंगे। अभी तो मैं निकल रहा हूँ नेपाल के लिए, आज NRM स्टार्ट हो गया। और एक बात और मेरे ध्यान में आई, आज दिन है महाशिवरात्रि का, तो मेरी तरफ से सब भाइयों को और सब राइड ऑन फैमिली मेम्बर्स को हर 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 महादेव, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरा ब्लॉग तो थोड़ा लेट आएगा, वैसे तो संयम भैया का बहुत मन था जाने का, बट उनके कुछ अपने पर्सनल इश्यूज हैं जिस वजह से वो नहीं जा पा रहे। हाँ 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 हाँ, हर हर महादेव। आज तो भाई सब तरफ मंदिरों में महाशिवरात्रि की गूंज है ज़बरदस्त वाली। भैया बहुत भयंकर ट्रैफिक है पटना का, बहुत भयंकर ट्रैफिक है, मैं परेशान हो गया, इतनी बुरी हालत मैंने और भी जगह ट्रैफिक देखा है यार। जो ट्रैफिक मैंने कल पटना का देखा है ना, वाह जी वाह वाला काम है। अब ये है संयम भैया मेरे को जा रहे हैं पटना से बाहर छोड़ने के लिए। अब पटना से बाहर मेरे को छोड़ेंगे तो हम लोग सीधा निकलेंगे नेपाल की तरफ। तो बस ये पहले सिटी से निकल लें, ट्रैफिक से निकल लें, पहले तो मुझे रिफ्यूलिंग भी करानी है यार। ये देखो रात से ही लो फ्यूल का साइन आ रहा है, 70 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो रेंज तो अच्छी है पर फिर भी साइन नहीं आना चाहिए। तो मेरा यही है कि फटाफट से रिफ्यूलिंग करा ली जाए। भैया कहते मैं पूरा आपको छोड़ के आता हूँ बाहर तक, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब ये है ना, ये है लोकल यहाँ के, तो इनको सब रास्ते पता है कि कहाँ से ट्रैफिक मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। रात जैसे मैंने बैठे थे अभी बात कर रहे थे, मैंने भैया को बताया भाई यार ऐसे ऐसे हम लोग फंसे रात में, अरे यार आप इस रास्ते से क्यों नहीं आए, अब इस रास्ते से क्यों नहीं आए। मैंने कहा भैया ऐसा है हम लोकल नहीं हैं यहाँ से। लीजिए लगता है यहीं तक का साथ था, भैया से मिल लेते हैं। हाँ जी भैया, अच्छा मुजफ्फरपुर का तो समझ में आ गया मेरे को, सीधा सीधा। अरे चलिए, थैंक यू संयम भैया, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अपना प्यारा खूबसूरत सा चेहरा भी दिखाया और इतना टाइम दिए, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अरे वो तो पता ही है, तभी तो बोला कि भाई हो संयम भैया जैसा। चलिए ये होते हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई, जिनको इतनी केयर है, इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, बस इसी का खा रहे हैं। अब फटाफट से रिफ्यूलिंग करा के और शूट निकलते हैं। वाह लीजिए, ये है गंगा मैया, जय गंगा मैया, गंगा मैया को भी प्रणाम करके निकलते हैं भाई। आज बहुत बहुत टाइम के बाद ऐसा दिन मिला
जब सुबह सुबह गंगा मैया के दर्शन हुए, अच्छा लग रहा है। बस अब फोकस करते हैं अपनी राइड पे और फटाफट से निकलते हैं ट्रैफिक से बाहर। दोस्तों दिन की पहली रिफ्यूलिंग, अभी दिखा रहा है 60 किलोमीटर की रेंज, इतना तो काम चलेगा नहीं ना, इसलिए रिफ्यूलिंग मैंने कहा सुबह सुबह ही करवा लिया जाए, बढ़िया है। भैया पटना से बाहर आ गए हम लोग के, अभी आगे और है, पटना से बाहर बाहर आ गए, चलो अच्छी बात है, ट्रैफिक से बच गए भैया, बहुत बुरी हालत है। हाजीपुर में आ गए, चलिए ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, इसी खुशी में फुल कर दीजिए। हाँ जी, क्या रेट है यहाँ पे? 107 रुपये। और बाप रे भैया, इस ट्रिप का सबसे महंगा पेट्रोल, नहीं नहीं मेरा, हाँ मेरी ट्रिप का ये सबसे महंगा पेट्रोल है, नॉर्मली 96 तो मैं डलवाया। दोस्तों भयंकर ट्रैफिक मैंने ना बहुत सारी जगह की देखी है, कलकत्ते की भी देखी है और भी कई जगह की देखी है, बट भैया जैसी ट्रैफिक यहाँ पे देख रहा हूँ ना, कसम से मतलब इतना बुरा हाल मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखा कहीं भी। कोई किधर से घुस रहा है, कोई किधर से घुस रहा है, कोई गाड़ी वाला इधर से लेके आ रहा है, कोई सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है, रॉन्ग साइड आते हैं मैं नहीं कहता नहीं आते, लेकिन कोई यार एक डर नाम की चीज़ होती है, वो है ही नहीं। अब तो खैर बाहर निकला है पटना से हम लोग, आप आगे देख सकते हो ये रोड जाएगी मुजफ्फरपुर तक, मुजफ्फरपुर से हम लोग राइट हैंड टर्न लेंगे दरभंगा की तरफ, दरभंगा से फिर अपना सीधा बॉर्डर जो है बेनी करके है, यार मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, तो चलो आपको चल के वहाँ पे दिखाऊंगा कि कहाँ से हमने आज एंट्री लेनी है। नेपाल में भी काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो मेरे लोकल वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, दिकेंद्र भाई हैं मेरे धरान से, उनके पास भी चलेंगे, आपको मिलाऊंगा मैं। तो उनका मेरे को फ़ोन आया था कि पाजी आप आ रहे हो, मैं कहा हाँ जी, तो उन्होंने बताया पाजी जिस रूट से आप आने की प्लान कर रहे हो उधर से मत आना, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, बुरी तरह फंसोगे आप। तो मैंने कहा फिर कैसे किया जाए, उन्होंने फिर बताया जोगबनी, मुझे याद आ गया जोगबनी बॉर्डर है, आप उस तरफ से आओ, आपको ईजी भी रहेगा और वहाँ से वेन्यू भी नज़दीक है। और दोस्तों ये अभी एडवेंचर की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है एक प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार, आप कमेंट करते हो ना तो जान आती है, मज़ा आता है, कमेंट करो, लाइक करो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मेरे ऐसे ही आगे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे लिए मोटिवेशन वाला काम होता है, क्योंकि मेरे आगे प्लान बहुत 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 ज़बरदस्त प्लान चल रहे हैं, अभी काम सब पे चालू है, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ बस, ऊपर वाले से यही दुआ है, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, तो मालिक कृपा करें ऐसे कोई दिक्कत ना आए, तो फिर तो धड़ाधड़ काम चलेगा। तो मेरे चैनल पे जो आगे कंटेंट आने वाला है ना, वो कंटेंट ऐसा ज़बरदस्त कंटेंट है कि अभी तक किसी भी बाइकर ने या इंडियन यूट्यूबर ने अभी तक वो कंटेंट नहीं बनाया, ना वो राइड की है जो मैं करने वाला हूँ, और वो राइड मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, तो बहुत 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 जल्दी मैं आपको वो भी अपना राइड करके दिखाऊंगा, आपको उस घुमाने लेके चलूंगा एक ऐसी जगह जो बहुत से लोगों का सपना है लेकिन नहीं जा पाते। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे आगे चल के, पर देखते हैं अगर मुझे कोई ब्रेकफास्ट के लिए अच्छी जगह मिल गई तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि अभी 9:30 हो चुके हैं, हल्की हल्की भूख मुझे लगनी स्टार्ट हो चुकी है, ज़्यादा तो नहीं है, बट ये पहले मुझे देखना ही पड़ेगा कि अच्छा खाना मुझे कहाँ से मिल सकता है। तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कहाँ पे अपना आज का दाना पानी लिखा हुआ मालिक ने। दोस्तों मुझे एक ये नज़र आया साहू मिष्ठान भंडार, लगता है खाने पीने का होगा इनके पास कुछ, और सबसे बड़ी बात क्या कि बाइक यहाँ पे सेफ रहेगी, सामने नज़रों के सामने रहेगी। तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, ब्रेकफास्ट इनके पास मिलता है तो ब्रेकफास्ट करते हैं। दोस्तों ये आ गई अपने पास प्याज कचौरी, साथ में सब्जी, अभी मैंने यहाँ से मंगाए हैं छोले भटूरे, वही सबसे बेस्ट रहते हैं यार, लेकिन मुझे सामने कचौरियाँ दिखी तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, और अरे वाह गरम गरम है, अभी ताज़ी बन के आई है। भैया भूख से तो बुरी हालत हुई हुई थी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को मिल जाएँ, और क्या क्या चाहिए भैया? एक मिनट सुनिए, यहाँ का लोकल और क्या खाना मिलता है सर? यहाँ अभी 10 बजे के बाद मिल जाएगा। नहीं नहीं लोकल बिहार का बताइए ना यार, बिहार में यहाँ पे नाश्ता में सर आपको पूरी सब्जी फेमस है यहाँ पर, पूरी सब्जी। आप एक काम कीजिए, छोले भटूरे चलो बन लग गए, अगर नहीं लगे ना तो आप फिर पूरी सब्जी करवा दीजिए जो भी यहाँ का फेमस है, साथ में जलेबी ले आइए, ठीक जलेबी है यहाँ पे रहता है ना खास, हाँ वो लाइए। तो भैया जहाँ पे लोकल आए हैं वहाँ का फूड ट्राई करना चाहिए ना।
दोस्तों कचौरी तो मैंने निपटा दी, बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी थी यार, मज़ा आ गया खा के। अब ये देखो, ये आया बिहार का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट, पूरी सब्जी साथ में जलेबी, क्या मज़ेदार है। अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या लगा है। मैं पहले ध्यान नहीं किया, बैठे बैठे थोड़ा हवा आई, मैं क्या शायद बाहर से आ रही है, जब मैंने ऊपर देखा तो ये नज़र आया, मतलब सब पंखों का बाप एक ही पंखा लगा दिया, दो लगे हुए वैसे यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक इधर। चलो अब कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पे। दोस्तों नाश्ता पानी हो गया, अब बस अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल चला हूँ। मज़ेदार खाना था यार, मज़ा आ गया सही में। सही बताऊँ तो पिछले 3 दिन से जब से घर से निकला हूँ ना, आज अच्छा ब्रेकफास्ट, ढंग का ब्रेकफास्ट किया, मज़ा आ गया खाना खा के, ज़बरदस्त। अब बस यही टेंशन है सुस्ती ना पड़ जाए यार, क्योंकि ज़्यादा खा लिया। टेस्टी बहुत था, क्या करता, हाथ रुका ही नहीं, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। अब मैंने डेस्टिनेशन लगाई है जोक बनेगी, जो बॉर्डर हमने क्रॉस करना है, देखते हैं कितनी जल्दी पहुँचते। वैसे तो यहाँ दिखा रहा है 256 किलोमीटर, जिसके लिए हमें लगेंगे 5.5 घंटे। तो अब एक्चुअल में इतना टाइम लगता है यहाँ, वो टाइम को हम कम कर सकते हैं वो हमें देखना होगा। 10 बज चुके हैं, अगर 10 बज चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि 3 से 4 बजेंगे हमें। अब अकेला हूँ ना तो हो सकता है थोड़ा सा जल्दी भी कवर कर लूँ इसको। मेरी तो एक ही आदत है बॉस कि अगर बाइक पर बैठ के चल पड़े तो बस डेस्टिनेशन पर पहुँच के ही ब्रेक लगानी है। आज तो ना ये देखो कितना जोश है, शिवरात्रि का इतना ज़बरदस्त जोश मैंने नहीं देखा। ये तो मैंने अभी आके थोड़ा सा कैमरा ऑन किया है, ये तो पूरे रास्ते जो मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, जो रश लगा हुआ है, अमेजिंग है यार, वाकई अमेजिंग है। अभी तो मुजफ्फरपुर में घूम रहा हूँ भैया, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर निकल के दरभंगा, दरभंगा से आगे बॉर्डर पे। अब हम लोग आ गए हाईवे पे, अब यहाँ से हमने बस स्ट्रेट सीधा जाना है, फिर आगे जाके पूर्णिया की जगह आएगी, पूर्णिया से हमने लेफ्ट लेना है जोगबनी के लिए, बॉर्डर के लिए, वहाँ से हम लोग एंटर करेंगे नेपाल में। तो अभी 10 बजे ये दिखा रहा है, यहाँ से 3 बजे हम लोग पहुँचेंगे। आ गए कोर्ट हॉल पर, हमने देना नहीं है, हम लोग निकले थे साइड से। पुलिस वाले अंकल चलो जल्दी से, बिहार पुलिस सिलेंडर करी कर रही है। यहाँ पे मौसम काफ़ी गर्म है यार, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो मैंने पहना हुआ इनर जो विंटर लाइनर होता है, अब वो निकालने का मन भी नहीं हो रहा, क्योंकि जब पहुँचेंगे नेपाल तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सा ठंड भी लगनी शुरू हो जाएगी, तो अभी से सोच रहा हूँ मत नहीं निकालूँ। उसकी वजह से ना गर्मी से मुँह सूख रहा बहुत ज़्यादा, पानी में कई बार रुक के पी चुका हूँ पर फिर भी वो बात ही नहीं कर रही। ये कौन सी नदी है भाई, मुझे लगता गंगा नदी है जो कि यहाँ से गुजर रही है। कितना ज़बरदस्त पुल है ये देखो आप, इस तरफ आने के लिए, जाने के लिए, उस तरफ आने के लिए, और वो परे ट्रेन के लिए, एक रोड ट्रैफिक के लिए और एक ट्रेन के लिए, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत मज़ेदार नज़ारा है। अभी बोलने में भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा ना प्यास बहुत लगी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पहने वो इनर जो कि अभी उतारना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों बहुत देर चलने के बाद, बहुत देर इंतज़ार के बाद पानी मिल गया, पानी पीते हैं यार, बुरी हालत हुई पड़ी है गर्दन की, बड़ी देर बाद पानी मिला यार, बहुत बुरी हालत होगी, रास्ते में बहुत ढूंढता आ रहा था कहीं पानी नहीं मिल रहा हो, यहाँ पानी मिला, अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है, ये गर्मी लग रही है या क्या चक्कर है, इतनी सुस्ती पड़ी पड़ी है ना, इसको कोई हिसाब नहीं है। अभी अब ये देखो 3 बजे तक मुझे पहुँचना था जोगबनी, और 2 यहीं पर बज चुके मुझे, लेकिन अभी यहाँ से करीबन करीबन 70 किलोमीटर है अभी जोगबनी, पता नहीं कब पहुँचूँगा। आपको जैसे बताया ना इशू, मेन इशू तो है मैंने वार्मर पहने हुए हैं, उसकी वजह से मेरी बात ख़राब हुई पड़ी है, अभी यहाँ पे भी उतार नहीं सकता, पूरे के पूरे उतारने पड़ेंगे, लोअर भी है अपर भी है, इसीलिए बोला था स्लो लो चला रहा हूँ, जगह जगह आज रुकना पड़ रहा है, इतने ब्रेक मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी राइड करी है इतने ब्रेक कभी नहीं लिए जितने आज मेरे को लेने पड़ रहे हैं। ये यहाँ पे नकौर चौक है सोपाल में, यहाँ पे मुझे पानी मिला, अब पानी पीते हैं
करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे की। लो जी दोस्तों, ये हाईवे बना हुआ है ज़बरदस्त वाला जोगबनी के लिए। यहाँ से जोगबनी 9 किलोमीटर, अब 9 किलोमीटर हमने जाना सीधा, वहाँ पे फटाफट से बंसार बनवाएंगे और शुरू हो जाएंगे नेपाल के अंदर। बंसार बनवाना है, करेंसी कन्वर्ट करनी है और उसके बाद सिम लेना है, बहुत सारे काम हैं। अभी 2:30 बज चुके हैं, देखते हैं अब कितने जल्द फ्री होते हैं। लो जी ऊपर से लोगों फिर का साइन भी आ गया, अब रिफिल भी कराना है। चलो रिफिल करा ही देते हैं, फुल करा के निकलते हैं यहाँ से। अरे बाप रे, यहाँ पे तो और भी महंगा यार, 109 रुपये। 109 रुपये है यहाँ पे। क्या है ये? ये कैमरा है, मेरा फोन दिखाई दे रहा है, आ रहा है। पे चलाते हैं तो पूरा वीडियो बनता है। ये वही है, ये वीडियो बन रहा है, अभी बन रहा है, तुम भी दिखोगे वीडियो में। पता लग गया तुम लोग जो 109 रुपये तेल बेच रहे हो ना यहाँ पे, महंगा बेच रहे हो। देखेंगे आपको ना। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आपको काउंटर पे खुद जाना पड़ेगा। ये देखो लीजिए, सामने ट्रकों की लाइन नज़र आनी शुरू हो गई, इसका मतलब हम लोग पहुँच गए हैं बॉर्डर पे। ये देखो इधर भी ट्रक खड़े हैं, इधर भी ट्रक खड़े हैं, बस अभी एक ही दुआ है कि आगे जाम ना मिले। नॉर्मली क्या होता है ना कि ये ट्रक जो है दिन में जैसे यहाँ पे खड़े रहते हैं, रात में इनकी पासिंग होती है, तो ये पूरे का पूरा रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। ये देखो जैसे सामने रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है, ऐसे ही हमें भी रॉन्ग साइड ना जाना पड़े। एक्साइटमेंट तो बहुत है, ख़ास तौर पर नई बाइक लेके जाने की वो ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पहले तो इतनी ज़बरदस्त रोड नज़र आ रही थी, ये क्या आ गया भैया, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया भैया? बॉर्डर के लिए यही रोड है, बॉर्डर पर जाना। हाँ वो उनसे जाकर पुल के ऊपर से ना, नीचे नीचे जाइए ना। अच्छा अच्छा, ये पुलवा है ना इसे। हाँ रोड जेल है, वैसे नीचे नीचे बॉर्डर पर चल जाए। अच्छा नीचे नीचे, ये रोड किधर जा रहा है? ये रोड दूसरा जगह पे। अच्छा ये दूसरा जगह जा रहा है। हाँ। चलो ठीक है, ऐसे जाइए रोड रहेगा, इतने नीचे पुल सीधे बॉर्डर पर। ठीक है ठीक है ठीक है। लो भाई अच्छा किया पूछ लिया, क्योंकि पहले मुझे किसी ने बोला था फ्लाईओवर नया बना आपने वो उस पर नहीं चढ़ना, क्योंकि उस पर बाइक अलाउड नहीं है, वो कहीं और ले जाएगा आपको। अगर आपको बॉर्डर पे जाना है तो पुल के नीचे से मुड़िएगा। मुड़ के तो मैं इस रोड पे आ गया, मुझे लगा ये रोड है, बट ये रोड नहीं था, ये रोड है दोस्तों जो बॉर्डर की तरफ जाएगा, जोगबनी की तरफ। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तभी गलतफहमी हो गई थी। अच्छी बात है इन्होंने बॉर्डर पे जाने के लिए इतना अच्छा रोड बना दिया हुआ है। चलो ये भी अच्छा ही है, जो बनी 4 किलोमीटर बता रहा है। चलिए भाई किसी को पूछ लेते हैं, परेशान नहीं होना। बॉर्डर पे जाने के लिए इधर ही? अच्छा नेपाल जाने के लिए इधर ही है। लो जी भाई साहब कह रहे हैं आगे नेपाल है, तो चलते हैं हम नेपाल। दोस्तों जोगबनी की तरफ से आने का एक फ़ायदा जो मुझे नज़र आ रहा है ना, इस रोड पे ट्रक नहीं है, मतलब ये जोगबनी सिटी के अंदर से होके जा रहा है जो बॉर्डर का रास्ता है। और यहाँ पे मैंने पीछे देखा आईपीसी जो है ना, मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है, जिसमें दो देशों के बीच में बिजनेस होता है, वो बाहर बनी हुई है, अलग से बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये रोड मुझे लगता है इसकी रोड की बैंड बजी होती अगर रोड ट्रक यहाँ पर खड़े होते तो। आने जाने वाले ट्रक की वजह से जाम बहुत लगता है, तो ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, जो भी बिजनेस होना है उसके लिए ICP अलग से बना दी है। एज एक्सपेक्टेड जाम लगा हुआ है। लो जी दोस्तों ये एक जंग तो हमने जीत ली, अब कहाँ से एंट्री होगी वो देखना पड़ेगा। इधर जाना है वो कह रहे हैं। ओके ओके ओके, जी मैम नहीं चेक नहीं हुआ, बताइए। लो भाई यहाँ पे होगी अब चेकिंग,
मैं पंजाब से मैम। कहाँ जा रहे हैं आप? नेपाल। ये बंद कर। ओ सॉरी, ये हमारी एंट्री हो गई नेपाल में। अब यहाँ पे चलते हैं, फटाफट से भंसार बनाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। भंसार आगे। यहाँ पे एजेंट नजर नहीं आ रहे, चलो देखते हैं। ओ लो देखो, हाथ मार दिया सामने से, एजेंट है। हाँ भाई, लड़ना नहीं है। हम कर जोगर का, हम कर चार बजे का, लड़ना नहीं है। चलो मैं खुद ही करा लेता हूँ, रहने दो। चलो भाई भंसार बना के फिर मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि अंदर तो आई थिंक कैमरा अलाउड नहीं होगा। दोस्तों वही हुआ जिसका डर था, जो टेंशन थी। टेंशन ये थी कि आपको जैसे पता मेरी बाइक नहीं है, अभी तो 10 दिन हुए लिए हुए, और इसकी आरसी अभी आई नहीं थी बन के। नहीं अपनी खींच रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ओके ओके भाई। दोस्तों एक बहुत तगड़ी भसड़ हो गई है। भसड़ ये हुई है कि नेपाल में मेरी एंट्री नहीं हो पा रही। वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी बाइक नहीं है और अभी तक मेरी बाइक की आरसी नहीं आई। मैं प्रोविजनल आरसी लेके तो आया था कि चलो काम हो जाएगा अपना, बट डिनाई कर दिया उन्होंने। फिर भी एक एजेंट को पकड़ा है तो वो सेटिंग करवा दे तो करवा दे, अदरवाइज भैया मुश्किल है, 3 दिन की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं एजेंट क्या कहता है। तेरा वीडियो बनाना ना साथ में, मैंने 200 का रसीद दूंगा मैं नेपाली 200। अब ये बता कि जो मेरा ये आरसी का पंगा है ये सब हो जाएगा, संभल जाएगा? मतलब आरसी का कोई दिक्कत तो नहीं आएगा?